नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम ला रहे हैं एक खास मुलाकात। उसका कॉन्टेक्स्ट है कि अभी हाल में अखबारों में न्यूज रिपोर्ट छपी थी कि नेशनल एनसीईआरटी, तो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग है, जो स्कूली बच्चों के लिए टेक्स्ट बुक्स और बाकी किताबें तैयार करती है, उसकी एक स्पेशलाइज 7 मेंबर की कमेटी ने एनसीईआरटी को रिकमेंड किया है कि बच्चों को रामायण और महाभारत पढ़ाई जाए। उसके साथ उन्होंने ये भी रेकमेंड किया है कि इतिहास में जिस तरह से अभी हम लोगों का पीरियडाइजेशन होता है कि एंशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, उस पीरियड को तोड़ के 4 हिस्सों में बांटा जाए। पहला होगा क्लासिकल पीरियड, दूसरा होगा मिडिवल, तीसरा होगा ब्रिटिश और चौथा होगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इतिहास को इन खंडों में बांटा जाए। साथ में अभी इसी कमिटी ने कुछ दिन पहले ऑलरेडी रिकमेंडेशन भेजा था कि टेक्स्ट बुक्स में जहां जहां इंडिया वर्ड लिखा है उसको भारत से बदला जाए। ऑफिशियली एनसीईआरटी ने क्लैरिफाई किया है कि ये अभी तक एनसीईआरटी का फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इसके पीछे जो संघ परिवार का इतिहास का जो पर्सपेक्टिव है, जिस तरह से वो लोग रामायण महाभारत को इतिहास के तौर पे पेश करना चाहते हैं, इन सब चीजों से एक हम लोगों के इतिहास में परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो इतिहास नहीं है, वो बल्कि काफी हद तक मिथिकल या फिर फिक्शनल को भी हम लोग इतिहास मानने लगे हैं। आप लोगों को ये भी याद होगा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च को रिस्ट्रक्चर किया गया था। उस समय जो ऑफिशियल्स थे ICHR के, उन्होंने ये कहा था कि हिस्ट्री में अब जो है सिर्फ हम साइंटिफिक एविडेंस के आधार पे हिस्ट्री का रिसर्च नहीं करेंगे, लेकिन कल्चरल बिलीव्स एंड ओरल ट्रेडिशंस को भी हम लोग इतिहास में मानेंगे। इतिहास में ओरल हिस्ट्री तो एक बहुत ही प्रिंसिपल डिसिप्लिन भी रहा है, लेकिन इन लोगों का जिस तरह से संघ परिवार ने कहानियां बताई, वो एक्चुअली है कि जेनरेशन टू जेनरेशन जिस तरह से कहानियां चली आती हैं, उसको ये लोग ऑफिशियल हिस्ट्री के तौर पे पेश करना चाहते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम आज बात करेंगे मृदुला मुखर्जी से, जो हिंदुस्तान की बहुत बड़े इतिहास के स्तंभों में से एक हैं। जिस समय तक नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी होता था, उस समय वो वहाँ पे डायरेक्टर भी थी, बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन थी, उस एक तरह से नेहरू म्यूजियम और लाइब्रेरी की कर्ताधर्ता कस्टोडियन थी, और उनके किताबों के बारे में तो हम आप सब लोग जानते हैं। तो मृदुला जी, सबसे पहले हमसे इस खास मुलाकात में समय निकालने के लिए अपने बिजी शेड्यूल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद। पहला सवाल, इतिहास, रामायण, महाभारत, इंडिया, भारत, ये सब कहीं ना कहीं ए हिस्ट्री, ए हिस्टोरिकल चीजें लगती हैं, कि मतलब इतिहास से बाहर की चीजें लगती हैं, लेकिन इनको इतिहास के तौर पे पेश किया जा रहा है, और वो भी स्कूली बच्चों के लिए। अगर फाउंडेशन ये हो तो उनकी आगे चल के इतिहास की समझ क्या हो, इसके बारे में चिंता होती है। तो आपको सबसे पहला सवाल ये है कि संघ परिवार की जो इतिहास की समझ है वो क्या है, और वो इतिहास के तौर पर किस चीज का प्रचार करना चाहते हैं? देखिए, उस सवाल पे आने के पहले मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट करना चाहूंगी कि ये जो रामायण है, महाभारत है, जो ये बहुत बड़े बड़े जो एपिक्स हम इनको कहते हैं जी, ये एक हमारे इतिहास का हिस्सा है, पर ये इतिहास नहीं है। राइट, इन दोनों चीजों में फर्क करना पड़ेगा। रामायण की इतिहास है, लेकिन रामायण इतिहास नहीं है। जी, ये इतिहास का हिस्सा है, क्योंकि ये भी हमारे ही इतिहास के एक काल में ये लिखे गए, बनाए, रचे गए, फिर उनके कई बदलाव हुए सेंचुरीज पे, उसमें कई ट्रेडिशंस जोड़ी गईं, तो ये अपनी तरफ से इनका इतिहास बहुत फैसिनेटिंग इतिहास है, और अगर हम इनको अच्छी तरह स्टडी करें तो हमें अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है कि किस समय में कैसा समाज था, कैसा बदलाव था,
वो सारा इन एपिक्स में रिफ्लेक्ट होता है, जैसे कि किसी भी अच्छे लिटरेचर में उस समय का समाज, उस समय के तौर तरीके, उस समय के लोगों की सोच, वो सब रिफ्लेक्ट होती है। जैसे हम प्रेमचंद को पढ़ते हैं या रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ते हैं, इस हम उनको ये नहीं कहते कि ये हमारा इतिहास है, पर वो हमारे इतिहास को समझने का एक सोर्स जरूर है, क्योंकि उसमें हमारा इतिहास रिफ्लेक्टेड है। पर ये दोनों चीजें अलग है, लिटरेचर, एपिक्स, फिक्शन, ये सब एक कैटेगरी की चीजें हैं जो कि इंसान की इमेजिनेशन का प्रोडक्ट है। और क्योंकि वो इंसान हमारे ही देश के किसी स्टेज में लोगों की इमेजिनेशन का प्रोडक्ट है, तो हम उनको इस हिसाब से स्टडी करते हैं कि उसमें हमारी सोसाइटी कैसे रिफ्लेक्ट होती है, क्या इमेजिनेशन था उस वक्त, क्या सोचने का तरीका था, क्या तौर तरीके थे। जैसे अगर हम महाभारत के बारे में देखें तो द्रौपदी की जो कहानी है उससे हमें पता चलता है कि उस वक्त पॉलियंड्री जो थी जी, वो प्रथा रही होगी, तभी तो उसके बारे में इस तरह से कहा कि तो ये में बहुत कुछ हमें इनसे, तो ये गलत है कहना कि हमको इनको स्टडी नहीं करना चाहिए, और ये भी गलत है कहना कि हमारे इतिहासकार जो रहे हैं और हमारा इतिहास जो आज तक है उसमें इनका स्टडी नहीं होता। बिल्कुल होता है, साइंटिफिक तरीके से इसका स्टडी होता है कि ये क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, ये कौन से युग में लिखे गए होंगे, इनमें क्या बदलाव आए हैं, इनमें फोक ट्रेडिशंस किस तरह से इनकॉर्पोरेट करी गई हैं। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग इनकी कहानी है। उसको अब मुझे बुरा जो लगता है कि इतना एक रिच हमारे पास एक रिसोर्स है, ट्रेडिशन है, उसको हम एक तरह से डिस्टॉर्ट करके अब इतिहास की तरह पेश करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं हमारे बच्चों को और हमारे समाज को कि ये एक सच्चा सच्चा इतिहास थे, जैसे कि उसको सच्चा इतिहास पेश करने से हम उनका स्टेटस बढ़ा रहे हैं। तो ये एक्चुअली ऐसा नहीं है। तो मैं यही जैसे कि ऐसे और हर समाज पे देखिए, हम ग्रीस जाएं तो वहां भी हम एपिक्स की बात करते हैं, कितने फैंटास्टिक इमेजिनेशन थे उस समय के लोगों के। तो हर सोसाइटी में अपनी अपनी एक कहानियां होती है जो उस कहानी उस सोसाइटी का बहुत सारा सच आपको बताती। तो उसी तरह से हमें इनको ट्रीट करना चाहिए और हम इनको ट्रीट करते रहे हैं। हमारे बहुत अच्छे अच्छे इतिहासकारों ने इसके बारे में लिखा है और हमारी जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स भी है पुरानी, उनमें भी आपको इनका स्टडी मिलेगा। तो ये कोई नई बात नहीं है। ये जो हमेशा कहते हैं ना, हमें एपिक्स को निग्लेक्ट करते हैं, ये करते हैं, ये कहना भी बिल्कुल गलत है। और दूसरे सवाल पे आ रही हूँ कि जो संघ परिवार का, इसके पहले मैं एक छोटी सी एक विडंबना पे मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। आपने जो बात बोली कि हमारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने इन एपिक्स की स्टडीज को नेगलेक्ट नहीं किया है। रामायण और महाभारत, खासतौर से रामायण के बारे में ये जानते हैं कि हिंदुस्तान में और दुनिया में रामायण बहुत वाइडली ट्रेवल की थी और जहां जहां नए रीजन में गई वहां की लोकल भाषा में उसको दोबारा से रचा गया। अब जैसे वाल्मीकि की रामायण है, वो चाहे कन्नड़ में जो रामायण हो या केरल में जो रामायण है या फिर जो बंगाल में जो पृथ्वीव्यास की जो रामायण है या फिर जो हिंदुस्तान के बाहर गए साउथ ईस्ट एशिया में जो पूरा रामायण गया, जो बदलता गया, योग जकार्ता में जो इंडोनेशिया में जगह है, वह 1975 से लेके अभी तक रोज शाम को रामायण खेला जाता है। मतलब उसका मतलब नाटक को खेला जाता है, एज अ प्ले इट इज प्रेजेंटेड, वो होता है। आपको याद होगा ये भी कि करीब 15 साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक इतिहास के एक रीडिंग में से एक एसे को रीडिंग लिस्ट से हटाने के लिए, प्रोफेसर रामानुजन के एसे को हटाने के लिए संघ परिवार ने बहुत मतलब पूरी तरह से कंसर्टेड कैंपेन किया था। अल्टीमेटली उन्होंने अपने कनेक्टेड हिस्टोरियंस के मदद से उसको सिलेबस से हटवा दिया था, रीडिंग लिस्ट से हटवा दिया था। तो उसमें तो बकायदा यही था कि मतलब हजार रामायण है तो उनको तो परेशानी है कि जी रामायण हजार नहीं है लेकिन संघ परिवार वाली रामायण एकमात्र रामायण। ये विडंबना क्यों लगती है आपको कि रामायण भी कौन सा इतिहास बने, इसमें भी प्रॉब्लम है। अब अलग अलग कैरेक्टर,
डिफर करते हैं हम लोग, मतलब घंटों बात कर सकते हैं 50 किस्म के रामायण के बारे में चर्चा करके। तो बिल्कुल। आप वो जो दूसरी बात पे जो आप आ रही थी आप, पर प्रॉब्लम ये होता है, संघ परिवार को इन सब ये कॉम्प्लेक्सिटी और सटलिटी से बहुत प्रॉब्लम है। उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि, और जो उनका एजेंडा रहता है, कि एक बिल्कुल सिंपल तरह का जैसे फ्लैट इतिहास प्रेजेंट किया जाए, जिसमें कि जैसे कि एक बहुत सारे तथ्य जो है, कुछ भी है, उसको एक तथ्य के रूप में लोगों के सामने बताया जाए कि यही था और ये एक ही इसका इंटरप्रिटेशन हो सकता है। ये भी जो उनका पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये आजकल जो इतिहास जो दुनिया भर में पढ़ाया जाता है, ये उसके बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि अब जो इतिहास की जो धारणा है, जो अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटीज में बढ़िया से बढ़िया जो स्कॉलर्स हैं जो प्रेजेंट करते हैं, कि हिस्ट्री का भी एक इंटरप्रिटेशन होता है, जी उसका एनालिसिस होता है। जरूरी नहीं है कि जो मैं जिस तरह इंटरप्रेट करूं, दूसरा आदमी वो जो हिस्ट्री को पढ़ाएगा या उसके बारे में लिखेगा, उसको ठीक उसी तरह इंटरप्रेट करे, क्योंकि अपने अपने देखने के, सोचने के तौर तरीके अलग होते हैं, और फैक्ट्स एक जगह होते हैं और इंटरप्रिटेशन दूसरी जगह होता है। पर ये क्या करते हैं कि ये फैक्ट और इंटरप्रिटेशन को मर्ज कर देना चाहते हैं, इंटरप्रिटेशन का कोई स्कोप ही नहीं छोड़ते। और दूसरी बात, क्या फैक्ट है वो भी ये बताएंगे कि क्या फैक्ट है। आपने कह दिया कि रामायण इतिहास था, राम एक हिस्टोरिकल फिगर था, कृष्णा एक हिस्टोरिकल फिगर था, तो बस वही सच है। अगर कोई उसको कंटेस्ट करता है और कुछ और उसके बारे में लिखता है, तो आप जी एंटी हिंदू, एंटी नेशनल, ये सब आप बन जाते हो। तो जो दुनिया में आपने जी जो बात बोली ना कि रामायण इतिहास था, राम हिस्टोरिकल कैरेक्टर थे, इसके बारे में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो मेरे एज अ पत्रकार, मतलब 1980 के दशक में जब राम जन्मभूमि आंदोलन ने जोर पकड़ा पूरी तरह से, तो उसके बारे में याद दिलाना चाहता हूँ कि देखिए शुरू के दिनों में, खासतौर से 1986 के बाद, 86, 87, 88 में, उस पीरियड तक ये लोग बार बार बोलते थे कि जी नेगोशिएशन कराइए, हम साबित करेंगे कि रामायण वहां थे और अयोध्या ही जो है उनकी जन्मभूमि थी। उसके बाद क्या हुआ कि हम जैसे पत्रकारों को पता चला कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो प्रोजेक्ट ऑफ रामायण साइट्स का जो प्रोजेक्ट था, कि आर्कियोलॉजी ऑफ रामायण साइट्स का जो प्रोजेक्ट था, उसकी कुछ फाइंडिंग के बारे में एक ऐसे लिखा है जो उसको पब्लिसाइज सरकार नहीं कर रही है। उस रिपोर्ट में जो बीबी लाल कमेटी थी, जो अल्टीमेटली जाके सुप्रीम कोर्ट में भी एविडेंस के तौर पे देखा गया, उसमें कहा गया कि मॉडर्न अयोध्या जो है उसमें 6th सेंचुरी BC के पहले की ह्यूमन सेटलमेंट का एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला। तो इससे ये साबित हुआ, आर्गुमेंट हम लोगों ने दिया कि भाई अगर रामायण घटी है तो कम से कम इस अयोध्या में नहीं घटी है। तो उसके बाद इमीडिएटली चेंज टैक हो गया। मुझे याद है कि लाल कृष्ण आडवाणी और अशोक सिंगल को जब पूछा गया था इन मीडिया रिपोर्ट्स के बारे में, तो उन्होंने कहा था वो जो बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है कि राम इज अ मैटर ऑफ फेथ, अयोध्या बीइंग हिज बर्थ प्लेस इज अ मैटर ऑफ फेथ। तो हर चीज फेथ हो गया, तो फेथ कहाँ से इतिहास हो सकता है? ये बड़ी पिक्यूलियर विडंबना रही है। खैर, चीजों को कंफ्यूज करते रहे और अल्टीमेटली जाके जो सुप्रीम कोर्ट में जो आर्गुमेंट हुआ और जो जजमेंट आया 2019 में, उसमें साफ बोला गया कि कोई एविडेंस नहीं मिला कि किसी मंदिर था जो वहीं पे किसी रामायण के मंदिर को, राम के मंदिर को लेके उसकी जन्मभूमि को मार्क करते हुए कोई मंदिर बनाया गया था जिसको तोड़ के एक मस्जिद बनाई गई थी। तो इतिहास के बारे में ये सब चीजें। दूसरा जो रिलेटेड जो इशू है वो है इनका हिंदुस्तान के इतिहास को किन खंडों में, समय के खंडों में बांटा जाए। ट्रेडिशनली ये रहा है कि एक एंशियंट इंडिया रहा है, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, यही हम लोग पढ़ के बड़े हुए हैं। अब इनका ये आता है कि एक तो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मेडिवल इंडिया तो पूरा स्लेवरी का पीरियड था, ये तो मोदी जी जाके वॉशिंगटन में भी यूएस कांग्रेस को बोल के आए हैं कि वो तो हमारा पूरा 1000 ईयर्स ऑफ इन्वेशन। हिंदुस्तान में राजनीति, मतलब जब पोलिटिकल भाषण देते हैं तो 1200 साल की गुलामी करके उसको डिस्क्राइब करते हैं। अब इन लोगों का रिकमेंडेशन है कि क्लासिकल पीरियड, मतलब कि सो कॉल्ड हिंदू पीरियड, उसके बाद वो मिडेवल पीरियड होगा जिसको बोलेंगे कि ये
मुसलमानों का दौर था तो स्लेवरी की का दौर था, फिर ब्रिटिश इंडिया और फिर मॉडर्न इंडिया, इस तरह से खंडित करने के बारे में। और जो क्लेम है कि मिडिवल इंडिया पूरी तरह से फॉरेन रूल का पीरियड था, इसके बारे में बतौर हिस्टोरियन आपका क्या विचार है? देखिए, एक तो ये जो पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री का पूरा आपने बात करी कि उसको डिवाइड कैसे करना है, इसके ऐसे था कि पहले अंग्रेजों ने ये सारा चक्कर शुरू किया, उन्होंने तीन हिस्सों में हमारे इतिहास को बांटा, और उन्होंने क्योंकि उनका मोटिव था कि जो धर्म के आधार पे हम लोगों को बांटें, तो उन्होंने जो जिसको हम अब एंशियंट पीरियड कहते हैं उसको उन्होंने हिंदू पीरियड कहा, और फिर उन्होंने जिसे हम मिडिवल पीरियड कहते हैं उसको वो मुस्लिम पीरियड कहते हैं, और फिर जो जिसे हम अब मॉडर्न पीरियड कहते हैं जो कॉलोनियलिज्म के आने से जो शुरू होता है उसको वो ब्रिटिश इंडिया कहते थे। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जनाब जो है ये और ये कमिटी जो है, एक तो ये वापस ब्रिटिश इंडिया कहना चाहती है उसको। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप ये किस बात के लिए, ये जो हमने एक चीज को हमने बदल दिया, हमने उसका क्लासिफिकेशन, देखिए ये जो क्लासिफिकेशन होता है ना पीरियडाइजेशन का, इसके पीछे एक साइंटिफिक एक एनालिटिकल सोच होती है कि एक पीरियड को आप कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो आजकल दुनिया में इतिहासकारों का जो कंसेंसस है कि उस किस तरह का समाज था, किस तरह का इकोनॉमी थी, आपकी अर्थव्यवस्था थी, किस तरह का आपका पॉलिटिकल सिस्टम था, इन सब चीजों को आप कॉन्टेक्स्ट में लेके क्लासिफाई करेंगे कि ये पीरियड क्या पीरियड जी, मेडिवल था कि एंशिएंट था कि मॉडर्न था। रूलर्स के रेस या रूलर्स की नेशनैलिटी या रूलर्स के रिलीजन के बेसिस पे आप, या इवन उनके नाम के बेसिस पे आप उसको क्लासिफाई नहीं करेंगे कि क्रिश्चियन पीरियड है कि मुस्लिम पीरियड है कि ये पीरियड है। ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इंपॉर्टेंट होता है पूरे समाज की क्या रचना है, अर्थव्यवस्था कैसी है। तो वो कहाँ हम पहुंच गए हैं दुनिया में आजकल क्लासिक, और हमें ये वापस खींचना चाहते हैं। अब तो वेस्ट में भी कोई वो क्लासिकल पीरियड वगैरह की बात नहीं करता, ये पता नहीं कौन सी हिस्ट्री पढ़ के आते हैं बाबा आदम के जमाने की, और कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, वहां से क्लासिकल वर्ड ले लिया, कहीं से ब्रिटिश ले लिया, उसको इकट्ठा करके, और फिर मॉडर्न का क्या क्लासिफिकेशन होगा, कौन से पीरियड को मॉडर्न कहेंगे, ये क्या ये सिर्फ पोस्ट इंडिपेंडेंस को मॉडर्न पीरियड कहेंगे। देखिए, क्या आपको लगता है ये जो क्लासिकल पीरियड को जो ये अलग करके पेश करना चाहते हैं, इनकी ये थियोरी रही है कम से कम अयोध्या आंदोलन के थ्रू से, जब से इतिहास पे लेके राजनीति हमारे समाज में खुल के आने लगी और संघ परिवार की तरफ से हिस्टोरिकल आर्ग्यूमेंट्स पेश किए जाने लगे, तो उनका ये आर्ग्यूमेंट होता था कि हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया थी, जब तक हिंदू राज की, उसके बाद मुसलमान आ गए तो उन्होंने तबाही मचा दी, और उसके बाद अंग्रेजों के समय में थोड़ा बहुत संभल गया, हालांकि जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उन्होंने भी लिखा कि उसी तरह का ट्रेंड चलता रहा, और फाइनली जाके जो आजादी की लड़ाई शुरू हुई उसके बाद से जाके शुरू हुआ हिंदुस्तान का रिकवरी, और जिसका अल्टीमेट रिकवरी जो आज के जो सरकार के लोग हैं जो बोलते हैं अल्टीमेट रिकवरी 2014 से शुरू हुआ, और फाइनली जाके 2022 के बाद से हम लोगों का अमृत काल शुरू हुआ। ये इनकी कहानी है, इसमें अमृत काल भी आ जाता है जो हम आज जी रहे हैं ताकि सेंटेनरी तक हम लोग जा सके, और इसमें तो सिर्फ अच्छा ही काम हो रहा है, रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो चाहे पार्लियामेंट का हो, चाहे प्रगति मैदान का हो, चाहे साबरमती आश्रम का। बस मैं तो यही कहूंगी कि ये जो पूरा कंसेप्शन है ये एक आइडियोलॉजिकल एक कंस्ट्रक्ट है, मतलब ये कि एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल एजेंडा है, ये इतिहास नहीं है जी। क्योंकि कहीं भी मुझे इसमें कोई प्रोसेस नहीं दिखाई देता कि किसी ने बैठ के विश्लेषण किया हो हमारे समाज का
ये कमिटी बताए कि किस बेसिस पे वो ये जस्टिफाई कर रहे हैं। आप एक जो जो जहां पे एक अभी तक जो हिंदुस्तान में हिस्टोरियंस का जो कंसेंसस बैठा है और जिस बेसिस पे अब पिछले कई सालों से किताबें लिखी जा रही हैं, कम से कम 50-60 सालों से, आजादी के बाद से लिखी जा रही हैं, उसको आप ओवरटर्न करना चाहते हो, तो आप अपना बेसिस तो पहले बताएंगे कि कौन सी रिसर्च आपने करी है जिसके बेसिस पे आप इस कंक्लूजन पे पहुंचे हो कि ये एंशिएंट नहीं है, ये क्लासिकल है, ये मेडिवल जो भी वो है उसको तो आप इस्लामिक या कुछ भी कह देंगे, और फिर किस बेसिस पे आप इसको वापस ब्रिटिश पीरियड कहना चाहते हो। बहुत सारे सवाल खड़े किए जा सकते हैं इसके ऊपर, कम से कम डिबेट तो करें, बताएं तो सही। देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, एक और प्रॉब्लम बहुत सीरियस है कि ये लोग डिबेट पे बिल्कुल एंगेज नहीं करते, अपने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं बताते हैं, जो इनका पॉलिटिकल एजेंडा है उसको कन्वर्ट करके आपको बता देते हैं कि अब ये करना है। दिस इज नथिंग, ये तो एक तरह से राजनीतिक आपकी जो सोच है, आपकी जो आइडियोलॉजिकल जो सोच है, उसको आप इतिहास में बदल देना चाहते हैं। देखिए एक चीज जो हम लोग इनसे इंटरेक्ट करते रहते हैं, इनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, एक तो पॉलिटिकल लीडर्स भी अपने आप को मतलब इतिहास के जानकार और बड़े हिस्टोरिकल थ्योरेटिशियंस, यही तो मजे की बात है। हिंदुस्तान के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाके बोलते आते हैं कि हिंदुस्तान के जो इतिहासकार हैं वो लोग इंडियन सोर्सेस पे नहीं डिपेंड करते, फॉरेन सोर्सेस पे डिपेंड करते हैं। आप जैसे इतिहासकारों के लिए, उनके लिए एक एक्यूजेटिव वो है कि ये लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस हैं, कि जैसे यू नो लेफ्टिस्ट होना मतलब कोई एक व्यू पॉइंट होना जो आपके व्यू पॉइंट से अलग है वो क्राइम हो जाता है। डेमोक्रेसी में दूसरे किस्म के मत रखने वालों को हम लोग क्रिमिनल नहीं बोलते, लेकिन हिंदुस्तान में खासतौर से ऐसा एक माहौल बना दिया गया है। तो इस पूरे पूरा का पूरा जो प्रोसेस है डीलेजिटिमाइज करने का, उनका कहना कि अब तक जो इतिहास लिखा गया है वो सब मतलब खराब है, इनके जो नए नए इतिहासकार आए ये लोग अजीब अजीब किस्म की थियोरीज देते रहते हैं। जैसे हम आप सुबह जब इस कार्यक्रम के बारे में चर्चा कर रहे थे, बोलते हैं कि हिंदुस्तान में तो आजादी के समय रेवोल्यूशनरीज के रोल पे तो किसी ने लिखा ही नहीं। तो इस तरह से जो एक एक्यूज किया जाता है आप जैसे हिस्टोरियंस को, जिन्होंने एक बहुत ही क्रिटिकल पीरियड में हिस्टोरियोग्राफी को शेप दिया, 1970 के दशक से मैं ये मान सकता हूं कि एक तरह से फ्रेश डायनामिज्म हिंदुस्तान के इतिहास की अध्ययन में देखा जाता है। हो सकता है कि और पहले से भी हो रहा हो, लेकिन कम से कम लेकिन मैंने 1970 के दशक के बाद से मतलब देखा है कि उसमें जोर पकड़ा, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स बने, इस तरह की घटनाएं हुई, प्रोफेसर नूरुल हसन एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो उस समय से एक पुश मिला एक तरह की प्रोग्रेसिव किस्म के इतिहास को। तो इन सब चीजों को आपको क्या लगता है कि ये वो तबाह करके वाइप आउट करने की कोशिश हो रही है? जी बिल्कुल, ये मुझे वैसे ये इन अ वे एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मैंने जो कहा ना कि जो एजेंडा है वो उनके जो आइडियोलॉजिकल टेक्स्ट्स हैं उनमें आपको मिल जाता है, चाहे आप सावरकर को पढ़ लें या गोलवालकर को पढ़ लें, तो आपको वहाँ पे जो उनका एक कंसेप्शन है हमारे इतिहास का वो आपको वहाँ पे मिल जाता है, और उसी को ये लोग ट्रांसलेट करते हैं। और जो मेरा सबसे बड़ा वो है, मैं चैलेंज कर रही हूँ कि आपने ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री कौन सी लिखी है बताइए, और आप सब समय ये कहते रहते हैं कि आपने ये नहीं लिखा, आपने वो नहीं लिखा, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो झूठ होता है। जैसे आपने बात करी रेवोल्यूशनरीज की, अब इंडियन रेवोल्यूशनरीज के ऊपर इतना काम हुआ है, इतनी किताबें हैं, कौन कहता है कि उनके ऊपर काम नहीं हुआ है। भगत सिंह के ऊपर एक पूरी लाइब्रेरी दिल्ली आर्काइव्स में बनाई गई है, जो कि प्रोफेसर चमनलाल, एक हमारे जेएनयू के ही प्रोफेसर रहे हैं, उनका इनिशिएटिव था, और पूरा डॉक्यूमेंटेशन कोई 1000 से ज्यादा तो किताबें कट्टी है वहां पे। अगर एक भगत सिंह पे 1000 किताबें आपको मिल रही है तो इसका मतलब भगत सिंह पे काम नहीं हुआ। मेरे अपने जो टीचर थे प्रोफेसर बिपिन चंद्रा, उन्होंने इतना रोल प्ले किया भगत सिंह को उभारने में
हमारे स्टूडेंट्स और एकेडेमिक्स के सामने और आम जनता के सामने लाने के लिए और ये प्रूव करने के लिए कि भगत सिंह एक बहुत ऊंचे स्तर के इंटेलेक्चुअल थे, सिर्फ एक ऐसे इंसान नहीं थे जो कि वायलेंस में विश्वास करते थे और इसलिए मार्क्सवाद से इन्फ्लुएंस थे जी, बहुत हद तक मतलब जितना मैं समझता हूँ मार्क्सवाद से वो बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे, बिल्कुल थे। तो उनकी पूरी जो कॉम्प्लेक्सिटी है भगत सिंह का जो डेवलपमेंट है वो प्रोफेसर बिपिन चंद्रा जिनको ये बहुत कंडेम करते हैं एज अ लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन, वो उनकी डेथ हो गई उस वक्त वो भगत सिंह की बायोग्राफी लिख रहे थे जो कि अनफॉर्चुनेटली कंप्लीट नहीं हो पाई, पर उसके दौरान उन्होंने बहुत सारे लेक्चर और बहुत सारे आर्टिकल ऑलरेडी छापे हुए थे भगत सिंह के ऊपर। भगत सिंह का एक पैम्फलेट था, मतलब पैम्फलेट के फॉर्म में छापा गया था एक लेख, व्हाई आई एम एन एथियस्ट, ये डिस्कवर हुआ था, ये गुम गया था, ये मिलता नहीं था, ये प्रोफेसर बिपिन चंद्रा ने इसको कहीं से ढूंढा, कोई इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी से उन्होंने मंगाया, फिर उसको पैम्फलेट के रूप में उन्होंने छापा और हम लोग जब स्टूडेंट थे हम सड़क पे खड़े होके एक एक रुपए में ये बेचते थे। क्या पता कोई वक्त आएगा जब वो बोलेंगे कि why I am an atheist भी लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा था। हाँ बिल्कुल लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा था। भगत सिंह जो थे बहुत ही बहुत बड़े बिलीवर थे, बहुत बड़े आस्तिक थे, वो कतई नास्तिक नहीं थे, ये भी बोला जा सकता है हिंदुस्तान के बारे में। एक आखिरी सवाल आपसे, ये भी एक है कि इंडिया फॉरेन वर्ड है, इसको भारत में बदलना चाहिए, एक प्रोजेक्ट मिल जाता है वो एक्चुअली आपने सही बताया कि ये भी एक पॉलिटिकल कैंपेन बन गया, इंडिया को प्रोपगेट वामपंथी करना चाहते हैं, भारत को हिंदू राष्ट्रवादी प्रमोट करना चाहते हैं लेकिन उन्हें रोका जा रहा है, इस तरह से सपाट ब्लैक एंड व्हाइट, तो क्या इंडिया वाकई एक फॉरेन वर्ड था? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या इंडिया के बारे में जो इनका जो आरोप है कि ये तो सब फॉरेन वर्ड है जो ब्रिटिश ने इस्तेमाल करना शुरू किया था, इसके बारे में मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। ये बिल्कुल गलत है, ये वर्ड का बहुत पुराना ओरिजिन है, ये वर्ड के कई फॉर्म्स बने, ये वापस मतलब बहुत पीछे जाता है, ये जो ग्रीक थे सबसे पहले उन्होंने इसका एक फॉर्म इंडिक वगैरह यूज करना शुरू किया, फिर ईरान के जो लोग थे जो के आते थे वो ये वर्ड जो है ये सिंधु रिवर से बनना शुरू हुआ क्योंकि इंडस सिंधु इंडस इसके कई नाम थे, तो उससे जो लोग वेस्ट साइड से जो आते थे उन्होंने इस सबकॉन्टिनेंट को ये नाम देना शुरू किया और वो फिर चलते चलते उसके कई फॉर्म्स बने। पर्शियन में स वर्ड नहीं होता था, स को ह कहा जाता था तो उससे वो हिंद बन गया, तो ये सारे इसी के फॉर्म्स हैं, हिंद सिंध सिंधु से हिंद उधर इंडिक इंडस, तो ये देखिए एक इतिहास एक लैंग्वेज का भी एक इतिहास होता है, हमारी जो आइडेंटिटी उसका भी एक इतिहास होता है, भारत भी एक वर्ड है जिससे हम अपने आप को डिफाइन करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान वर्ड जो है हिंदुस्तान वर्ड बहुत पॉपुलर हो गया। आप अगर देखें सावरकर में एक कोशिश कर रही कि स्थान को बदल के स्थान किया जाए क्योंकि उनको ये लगता था कि स्थान जो है वो एक पर्शियन है और स्थान जो है वो भारतीय है सांस्कृतिक है, तो वो हर चीज को जैसे हिंदुस्तान कहने लग गए, उनके राइटिंग्स में आप देखेंगे एक एक एच वर्ड उसमें एच लेटर उसमें ऐड कर दिया। अब ये जो है देखिए जहां तक हमारा जो पर्सपेक्टिव है जो आजकल मतलब सब लोग मानते हैं कि भाषा और ये सब चीजें जो है एक डायनामिक इवॉल्विंग चीजें होती है, इसको आप एक तरह से एक चीज को पकड़ के ये नहीं कह सकते कि ये ऐसा था और वैसा ही रहेगा, बदलती है, भाषाओं का मिश्रण होता है और उससे जो भाषाएं वो इनरिच होती हैं। अब आप देखिए अंग्रेजी भाषा उसमें कितने हिंदी के वर्ड्स हैं, उर्दू के वर्ड्स हैं, इंडियन लैंग्वेजेस के कितने वर्ड्स हैं जो आपको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मिल जाएंगे,
जो बिल्कुल, उसका हिस्सा बन गए हैं। हर साल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में क्या नए शब्द इंसर्ट किए गए पॉपुलर यूसेज की वजह से, उसके बकायदा उसके बार बारे में बार बताया जाता है और बताया उसको जाता एक्सेप्ट करते हैं कि है। ये अब हमारा इसका हिस्सा बन गया है। तो ये जो एक कौन डायनामिज्म कौन है, से भारतीय भाषाओं के शब्द अंग्रेजी के अब हिस्से हैं, उस पर मेरे ख्याल से हम आप फिर कभी किसी और ओकेशन पे उस पर चर्चा कर सकते हैं। एक बार फिर से मतलब हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए एक डिस्कशन और कर सकते हैं। आप तो कुछ मैं कहना यही चाह कहना रहे चाह थे? रही थी कि ये भारत और इंडिया का जो कंट्रोवर्सी क्रिएट किया गया है ये बिल्कुल बेमाने है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे भी चलना चाहिए। दोनों वर्ड्स हैं उसमें, दोनों वर्ड लेजिटिमेट हैं। दोनों वर्ड्स लेजिटिमेट हैं। तो आप एक को क्यों निकालना चाहते हैं? दोनों यूज करिए। जिस हम लोग अपनी चलती हुई भाषा में जब हिंदी में बोलते हैं या इंडियन भाषाओं में कई बार बोलेंगे तो हम भारत ही कहते हैं, फिर जी हम अंग्रेजी में जब बात करते हैं तो हम इंडिया कहते हैं। हम तो हमारे मुंह से इसमें तो हिंदुस्तान ज्यादा ज्यादा कॉमनली मेरे मुंह से तो। हिंदुस्तान कहते हैं। एक टाइम था जब इंडियन इंडियन वर्ड का ट्रांसलेशन जो था, और कई लोग बाहर भी हिंदी कहते थे। हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो कौन है? वो हिंदी है। तो जी ये कई यूसेजेस वर्ड्स की बन जाती है और ये हर देश में होता है। अब यूनाइटेड किंगडम के नाम कितने हैं? अब जी ब्रिटेन भी कहते ब्रिटेन हो आप, अब चलती भी भाषा में कहते हैं, इंग्लैंड भी इंग्लैंड कहते कह देते हो, हैं। जी हालांकि इंग्लैंड एक हिस्सा है उसका, परंतु इसका बिल्कुल फिर आप उसको ग्रेट ब्रिटेन कहते हो, उसको ब्रिटिश आइल्स कहते हो। मैंने आज तक नहीं सुना कोई अंग्रेज उठ के कहे कि नहीं, इसका सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए। जी। हर कॉन्टेक्स्ट में लोग जैसे जैसे चलती भाषा में यूज होता है होता है। एक ऑफिशियल नाम है यूके, यूनाइटेड किंगडम, वो भी पूरा नहीं हम कोई बोलते ना, यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंग्लैंड वेल्स एंड स्कॉटलैंड, राइट ये तो राइट नहीं हम कोई पूरा बोलते। तो इतना ये जो हम इतने रिजिड हो जाते हैं ना जो किसी चीज पे, इसके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा होता है। जी सही बात। हमें उम्मीद करेंगे कि एनसीईआरटी की जो सब कमिटी ने जो रिकमेंडेशन भेजी है पेरेंट एनसीईआरटी को, इस पे बहस चलती रहे और तब तक लोकसभा के चुनाव हो जाए। और हम उम्मीद करेंगे कि अगले लोकसभा चुनाव में हम लोगों को एक दूसरे किस्म की सरकार को देखने को मिलेगा जो इतिहास को लेके कम से कम राजनीति ना करे। उसी उम्मीद के साथ हम आज के डिस्कशन को यहीं समाप्त करते हैं। हमसे बात करने के लिए मृदुला मुखर्जी जी बहुत बहुत धन्यवाद।